राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित घटित ट्रामाडोल की 25,000 नशीली टैबलेट्स बरामद की हैं। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके से 2 नशे के तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि श्री गंगानगर के पदमपुर का रहने वाला रविंदर कुमार उर्फ रवि पिछले कई सालों से जैसलमेर में रह रहा है। रविंदर कुमार उर्फ रवि जैसलमेर में 25,000 नशीली टैबलेट श्री गंगानगर में सप्लाई के लिए लाया था, लेकिन पुलिस कार्यवाही के दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी रविंदर सिंह के साथ जयदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले श्री गंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक नशे के सप्लायर को 17,430 नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के आधार पर जालोर के संचोर में 90,000 नशीली टैबलेट्स जब्त की गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।